हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं टिप्स टू लुक इंस्टेंटली बेटर। इंस्टेंटली आप किस तरह से अट्रैक्टिव दिख सकते हैं और भी ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी पॉलिश लुक देंगी आपको, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे सी टिप्स हैं जो काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो नंबर वन टिप इज़ हाईलाइट योर आइज़ एंड योर लिप्स। आपके आइज़ एंड आपके लिप्स ना सबसे पहले नोटिस में आते हैं। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो अगर आपकी आंखें थोड़ी सी उदास सी दिखेंगी आपके, या फिर आपके लिप्स फटे हुए हैं, ड्राई लगेंगे, तो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो हमेशा आप इनको हाईलाइट कीजिए, थोड़ा सा मेकअप ज़रूर कीजिए। लाइक अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं तो आप हेवी मेकअप तो कर ही सकते हैं ऑफकोर्स, बट अगर आप ऐसे ही किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप आई मेकअप भले ही ना करते हो लेकिन हल्का सा काजल आप ज़रूर लगा सकते हैं, अपनी लैशेस को कर्ल कर सकते हैं। आपकी आईज़ उससे थोड़ा सा ओपन दिखेंगी, फ्रेश दिखेंगी। आप अपने लिप्स पर कोई न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं। अगर आप को बोल्ड लिपस्टिक नहीं पसंद है तो आप न्यूड लिपस्टिक लगाइए, या फिर उनको अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए, लिप बाम लगाइए, क्योंकि देखने वाले की नज़र सबसे पहले आपके इन्हीं फीचर्स पे पड़ती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले यही नोटिस में आते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, हाईलाइट योर आइज एंड योर लिप्स। सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ राइट पॉस्चर। अगर आप इस तरह से अगर बातें करेंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेट होकर अच्छे से पॉस्चर में थोड़ा सा स्मार्टली किसी से बात करेंगे तो ऑफकोर्स उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा अपने पॉस्चर को सही रखिए, अपनी कमर को सीधा रखिए एंड आई कॉन्टैक्ट ज़रूर रखिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। नंबर थ्री, ऑलवेज स्मेल गुड। दिस इज़ अ बिग टर्न ऑफ। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं उसमें से बदबू आ रही है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा अच्छा सेंट आप कैरी कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो परफ्यूम में नहाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा लगाइए। अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी तभी लगेगी जब अच्छा स्मेल आप करेंगे। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन बदबू आ रही है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमें कभी भी अवॉइड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ नेल्स। अपने नेल्स को क्लीन रखिए अच्छे से। नेल पेंट लगा के आप रख सकते हैं, बट अगर आप के पास इतना टाइम नहीं होता है, नेल पेंट आप जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई न्यूड नेल पेंट लगा सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हैं। वो अगर थोड़ी सी हटती भी है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो सॉलिड कलर के नेल पेंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी दिख जाते हैं। अगर ज़रा से भी हटते हैं ना तो ईजिली दिखते हैं, तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। आप उनको निकाल कर दूसरा नेल पेंट लगाइए। एंड अगर आप रेगुलरली चेंज करते रहते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरी तरह, तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हैं, या फिर आप फ्रेंच मैनिक्योर कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यूड नेल पेंट्स लगा सकते हैं। वो थोड़ी बहुत चिप भी अगर होगी तो इतना पता नहीं चलेगा। आप इस तरह की नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेल पेंट होती है ना, थोड़ी ग्लॉसी वाली जो होती है, ये बहुत हल्की सी होती है। गोल्डन कलर में भी आती है, सिल्वर में भी आती है, डिफरेंट कलर्स में भी आती है, एंड हल्की सी अगर हट भी जाती है तो इतना पता नहीं चलता। तो थोड़ा सा मेटालिक फिनिश होती है इसमें, तो ये नेल पेंट्स मैं अक्सर यूज़ करती हूँ एंड ज़्यादा पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत हट भी जाती है। तो आप अपने नेल्स को शॉर्ट भी रख सकते हैं, लॉन्ग भी रख सकते हैं, बट कीप देम क्लीन एंड नाइस। नेक्स्ट इज़ कीप योर फ़ोन डाउन। यस, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है और सिर्फ अपना फ़ोन चेक कर रहा है, बहुत ख़राब लगता है। ये एक्चुअली बहुत ही चीप लगता है, डिसेंट नहीं लगता है बिल्कुल भी। एंड किसी इंसान को इग्नोर करना अपने फ़ोन के लिए इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड मैनर। सो या प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसको। मैंने अक्सर देखा है स्पेशली यंग गर्ल्स को, ईयरफोन्स लगा के वो गाने सुनती रहेंगी, 10 लोग बैठे हैं उनके बीच में वो फ़ोन चेक करती रहेंगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली चीप लगता है थोड़ा सा। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है, थोड़ा सा क्लासी दिखना है, तो आप अपने फ़ोन्स को यूज़ मत कीजिए। किसी भी फॉर्मल मीटिंग में हो या फिर किसी भी कैजुअल मीटिंग में भी हो, किसी भी पार्टी में भी हो, तो भी आप अपने फ़ोन को कम से कम चेक कीजिए। नेक्स्ट इज़ टेम योर हेयर। अपने बालों को आप थोड़ा सा नाइसली रखिए, थोड़ा सा क्लीन लुक। नेक्स्ट इज़ टेम योर हेयर। अपने बालों को, कोई भी हेयर स्टाइल अगर आपका है तो थोड़ा सा सेट करके रखिए अपने बालों को। जो छोटे छोटे ऐसे बेबी हेयर्स निकले रहते हैं या फिर फ्रिजी हेयर, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी पॉलिश लुक नहीं मिलता एक्चुअली। तो अगर आपको पॉलिश लुक चाहिए अपनी पर्सनालिटी को, आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है, तो अपने बालों पे स्पेशली आप अटेंशन दीजिए। उनको अच्छे से टेम कीजिए, उनको अच्छे से सेट कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं लगने चाहिए। अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर कोई नीट अपडू कर सकते हैं, या फिर कोई पोनीटेल कर सकते हैं, कोई अच्छा सा नीट हेयर स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बालों की वजह से ही ना आपका पूरा लुक ख़राब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी दिख सकता है। तो स्पेशल ध्यान दीजिए आप अपने हेयर स्टाइल पे।
और नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। मैं भी बोलती हूँ हमेशा कि कॉन्फिडेंट दिखो, सब बोलते हैं बी कॉन्फिडेंट, लुक कॉन्फिडेंट, फील कॉन्फिडेंट, बट वॉट इज कॉन्फिडेंस। कई बार ना लोग, लड़कियाँ मैंने देखा है अक्सर बहुत लाउड हो जाती हैं कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, किसी भी कॉन्वर्जेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीप लगता है। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लासी दिखना है, अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है, तो थोड़ा सा चुप रहना सीखिए, दूसरों को सुनना सीखिए, क्या बोल रहे हैं लोग उनको ध्यान से सुनिए, उन पर ज़्यादा अटेंशन दीजिए, काम रहिए, रिलैक्स दिखिए, थोड़ा सा पोलाइट रहिए, अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को रखिए, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ना ज़्यादा काइंड दिखेगी, ज़्यादा काम दिखेगी, ज़्यादा अप्रोचेबल लगेंगे, आपको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। सो या आपको जितना ज़रूरत है बात करने की उतना ही बात कीजिए, बहुत ज़्यादा लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप बिल्कुल बिंदास खुल के बात कीजिए, वो अलग बात है, बट जब आप किसी मीटिंग में हैं, किसी ऐसी गैदरिंग में हैं जहाँ पर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, या फिर फॉर्मल गैदरिंग में हैं, फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में हैं, तो जितना हो सकता है आप लिमिटेड बातें कीजिए, एंड अपनी स्माइल से ही आप पूरा इंप्रेशन दे सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है माया ओलिव ट्रंक। सो डू ज्वाइन मी देयर, एंड मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।